जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई जो कि स्ट्रीट फूड है और सबको पसंद है, वड़ा पाव। पर ये ऑयली होने के कारण ना खाने का मन होता नहीं बहुत बार। आज मैं इसका हेल्दी वर्जन लेके आई हूँ, आप वड़ा पाव जी भर के वड़ा पाव खा सकते हैं। तो आज हम बिना फ्राई किए वड़ा पाव बनाएंगे। खाने में आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि इन्हें फ्राई किया है या कमल में बने हैं, तो टेस्ट बिल्कुल वही, हाँ तरीका थोड़ा अलग है। तो इसके लिए मैंने आधा किलो के करीब आलू इस तरह से बॉईल करके पहले ही रख लिए थे। जब अच्छे ठंडे हो जाए तो इनको छील लेना है, इनको अच्छे से इस तरह से मैशर से मैश कर देंगे। और हम वड़ा पाव की सूखी वाली चटनी भी बनाएंगे आज, जिसके बिना वड़ा पाव अधूरे हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, थोड़ा लंबा है, पर अगर रेसिपी अच्छी बनानी है तो पूरा पेशेंसली देखना पड़ेगा। अच्छे से मैश कर लेना आप आलू को बिल्कुल बारीक सा, तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। अब यहाँ पे एक छोटी चम्मच के करीब जीरा और एक छोटी चम्मच धनिया का बीज आते ना धनिया खड़ा वाला, वो ले लेना और उसको इस तरह से गोल गोल घुमा के दरदरा पीस लेना, या फिर आप चाहे तो मिक्सर जार में भी इसको कर सकते हैं ऐसा। और दो तीन लहसुन की कलियाँ या फिर तीन चार, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, ठीक है, आधी छोटी चम्मच अदरक मान लो, वो डालेंगे। दो से तीन हरी मिर्ची, इन्हें काट कर रफली इस तरह से हमें रफली कूट लेना है। तो थोड़ा दरदरा रहेगा ना, तो उसका जो टेक्सचर आता है ना वो अलग ही स्वाद देगा। तो हो सके तो इसको इस तरह से कूटना। अब यहाँ कढ़ाई में हो गया है तेल गरम, तो हम डाल देंगे जो हमने मसाला रेडी कर रखा था। तो इसके बाद इसमें और भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें एक आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। और बस जितना कम मसाला डालोगे ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी ये लगेगा। तो इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। इसको बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है क्योंकि आलू पहले से मेरे बॉईल किए हुए हैं। तो बस इसको इस तरह से मिक्स कर लेना, एक दो मिनट के बाद इसको गैस को हम बंद कर देंगे। उसके पहले हम डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, चाहे तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर इसमें डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। तो जो स्ट्रीट फूड स्ट्रीट वड़ा पाव वाला जो टेस्ट आता है ना, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा अगर इस तरह से मसाला बनाओगे इसका। और इसको थोड़ा और मैश कर लेंगे, अगर कहीं पर कुछ टुकड़े रह गए हो ना तो इसको अच्छे से मैश करने से क्या होगा ना, मुँह में जाते ही आपका वड़ा पाव खुल जाएगा। इसी मसाले से आप आलू के पराठे बना सकते हो या फिर ब्रेड पकौड़े। तो ये मसाला आपका 3-in-1 है, मल्टीपर्पज है मतलब। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम एक कढ़ाई में एक छोटी चम्मच के करीब ले लेंगे तेल, इसकी सूखी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो तेल जब हमारा अच्छा गर्म हो जाए ना, तो इसमें हम ले लेंगे एक चौथाई कप के बराबर कच्ची मूँगफली, 15-20 लहसुन की कलियाँ, और 2-3 छोटी चम्मच या फिर एक चौथाई कप से थोड़ा कम सूखा नारियल आता है ना वो, 10-12 लाल मिर्च, कुछ तीखी और कुछ कलर के लिए। तो दोनों मिक्स ले लेना। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे लहसुन, इसको थोड़ा सा हमें रोस्ट कर लेना है। 30-40 सेकंड बाद ही हम इसमें डाल देंगे मूंगफली, क्योंकि मूंगफली हमारी कच्ची है, इसको अच्छे से हमें भूनना है। तो इसको हमें चलाते रहना है ताकि मूंगफली अच्छे से हमारी भून जाए। जब मूंगफली अच्छे से भून जाए तो हम इसमें डाल देंगे सूखा नारियल। तो नारियल आप सूखा ही डालना अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो। इसमें एक छोटी चम्मच डाल देंगे हम धनिए के बीज, इससे इसका अलग ही टेक्सचर आएगा, तो ये ज़रूर डालना। तो हमारे नारियल भी अच्छे से भुन चुके हैं। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे अपनी हरी मिर्च, लाल सूखी मिर्ची। इसको इस तरह से तोड़ तोड़ के डाल देना ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो, क्योंकि मेरे पास जो मिर्ची थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। तब इसको भी थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं, मिर्ची बहुत जल्दी हमारी भुन जाएगी। तो देखिए अच्छे से ये भुन चुकी है, इसको हम होने देंगे ठंडा। जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, हम इसका घोल बना लेते हैं वड़ा पाव के लिए, वड़े के लिए। तो इसके एक लिए एक कप के करीब जो नॉर्मल बेसन आता है वो ले लेना है। फिर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और एक कप बेसन है तो 1/4 कप डाल देंगे चावल का आटा, इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और 1/4 चम्मच के बराबर डाल देंगे हल्दी, इससे कलर अच्छा आएगा। तो इन सबको सूखा पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे। तो पानी एकदम से पूरा मत डालना, थोड़ा थोड़ा डालते जाना और इस तरह से मिक्स करते जाना। तो 1 कप बेसन है तो इसमें लगभग 1 से 1.5 कप पानी लगेगा, या फिर 1 कप, उससे ज़्यादा नहीं लगता, पर एकदम से पूरा मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना। जैसे जैसे पानी लगता जाए वैसे वैसे हम मिक्स करते जाएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बने। तो इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। पानी थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा और डाल दिया है मैंने। इसकी कंसिस्टेंसी ना आपको बताती हूँ कैसी रखनी है, जैसे ब्रेड पकौड़े होते हैं ना या फिर बूंदी बनाते हैं उस टाइप की, इस तरह से, ना ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा गाढ़ी।
अब इसको हमें 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू इस तरह से फेंटना है, जिससे क्या होगा ना, हमारा जो ये बैटर है ना, इसमें अच्छे से हवा घुसेगी तो अच्छा फ्लफी हो जाएगा और वड़े हमारे अच्छे फूलेंगे। लास्ट में इसमें 1/4 चम्मच के बराबर डाल देंगे हम कुकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। इसको लास्ट में ही डालना जब आप बनाने के लिए रेडी हो, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा ना, बड़े हमारे अच्छे फूलेंगे, फ्लफी बनेंगे। हाँ, अगर ऑयल में फ्राई कर रहे हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, या फिर हल्का सा डाल देना। चुटकी भर डालोगे तो अच्छे फूलते हैं बड़े, तो डालना ज़रूर। अब यहाँ हमारा जो सूखी चटनी का मिक्सचर ठंडा हो चुका है, उसको जार में डाल देना। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, थोड़ा नमक इसमें ज़्यादा ही डलेगा क्योंकि तीखी है, तो इसको रोक रोक कर पीसना और इस तरह से दरदरा मिक्सचर बना लेना इसका। एकदम बारीक पेस्ट मत बनाना, थोड़ा दरदरा रहेगा तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। और इसको आप लगभग 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो एक सूखे जार में या शीशी में रख लेना, एयर टाइट डब्बे में। तो इसको आप जब चाहो तब यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ मसाला भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसमें डाल देंगे हरा कटा हुआ धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको एक बार फिर से हम अच्छे से मैश कर लेंगे, बिल्कुल आटे जैसा, ताकि इसके जो वड़े हैं ना बनाने में आसानी हो। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और पूरी तरह से ठंडा भी हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे हमें लड्डू बना लेने हैं इसके। हाँ, लड्डू आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनाना, क्योंकि मैं इसे बनाऊँगी अप्पे पेन में। तो अप्पे पेन में जो साइज़ है ना, उससे थोड़े छोटे हमें ये बनाने हैं गोले, क्योंकि इसके ऊपर आप बेसन की कोटिंग लगाएंगे तो वो भी फूलेगा। तो जो गोले हैं वो थोड़े छोटे रखना अप्पे पेन से, तभी ये सही बनेंगे, नहीं तो इनको फूलने की जगह नहीं मिलेगी। तो इस तरह से छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे, नींबू से थोड़ी छोटी। तो आपके अप्पे पेन अगर थोड़ा बड़ा है तो आप उसके अकॉर्डिंग बना लेना साइज। यहाँ सारी गोलियाँ मैंने बना के रख ली है और यहाँ अप्पे पेन भी तेल लगा कर अच्छे से गर्म कर लिया था। जब ये गर्म हो जाए तो हमें जो गोलियाँ बना रखी ना, उसको डालना है बेसन के घोल में। उसके पहले इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे हम एक बार और। जहाँ अप्पे पेन को बहुत ज़्यादा गर्म मत करना, नहीं तो ये डालते ही ना एकदम से जलने लग सकते हैं। तो थोड़ा गर्म हो जाए ना तो गैस को हमें बिल्कुल कम कर देना है। इस तरह से गोलियाँ डालनी है, उस पर अच्छे से कोटिंग लगा लेनी है बेसन की, और चम्मच से लगाना तो ज़्यादा ईजी होगा। तो एक एक करके हमको सारे जो बड़े हैं ना इसमें डाल देने हैं, ऊपर से थोड़ा बेसन और लगा देना ताकि अच्छे से इसकी कोटिंग लग जाए पूरे पे। तो सारी गोलियाँ इसी तरह से हमें डिप करके इसमें एक एक करके डाल देनी है, और इसमें तेल आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो कम तेल में भी ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए इसमें। तो है ना हेल्दी सा वर्जन इसका। इस तरह से वड़ा पाव बनाएंगे तो आप रोज़ खा सकते हैं। नहीं और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना हो तो आप पाव भी वीट वाला ले सकते हो, यानी कि आटा वाला, या फिर इसे इस तरह से इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हो सिर्फ ये वड़े। और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगे, और चावल का आटा डाला तो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो सारे हम इसी तरह से डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा सा बेसन डाल देना इसमें ताकि अच्छी कोटिंग आ जाए। और 2 मिनट के लिए ढकने के बाद देखिए इतने अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसमें ऊपर थोड़ा सा हम लगा देंगे ऑयल ताकि हम इसको पलट दें तो ये और क्रिस्पी हो जाए। तो थोड़ा सा तेल इसमें लगाना है। अब देखिए साइड से भी छोड़ देना, मतलब समझ लीजिए कि पक जाएंगे, नीचे से पक चुके हैं। और जो बीच वाले उनको पहले पलट लेना क्योंकि वो जल्दी सीखते हैं। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया इनका और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हुए हैं। तो इस तरह से हम सारे वड़े पलट लेंगे, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं सप्पे पेन में। ये ज़्यादा समय लगता नहीं इनको बनाने में, जब 3 से 4 मिनट में ही बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से पलट के इनको 1 से 2 मिनट के फिर से हम सिम गैस पे, यानी कि बिल्कुल धीमी आंच पे पका लेंगे। अब इसको हमको ढकना नहीं है, ढक दोगे कि तो ये ऊपर से सॉफ्ट हो जाएंगे भाप में। तो इनको ऐसे ही खुले में 2 मिनट के लिए हम रहने देंगे और गैस को बंद करके रख देंगे ताकि ये रखे रखे क्रिस्पी हो जाए। तब तक हम यहाँ पाव रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने हरी चटनी भी बना रखी है, तो इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चेक कर लीजिएगा। और सूखी चटनी भी हमारी रेडी है, तो सारे सामान पास में रखकर आप तैयार रखिए ताकि गर्मा गर्म वड़े फटाफट से इसमें डाल सकें। तो पाव में बीचों बीच इस तरह से कट लगा लेना है, और इसे कर लेने हैं हमको अलग अलग 2 पीसेस। तो इस तरह से कट लगा के क्या करना है, सबसे पहले हरी वाली चटनी लगा लेना, जितना आपको तीखा चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो अच्छा तीखा बनाओगे ना तब मज़ा आएगा इसको खाने में। तो अच्छे से लगाना चटनी नीचे के पार्ट में और ऊपर भी। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, चाहे तो इसमें टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं एक साइड। अब इसके ऊपर डाल देंगे सूखी चटनी, तो सूखी चटनी भी अच्छे से डालना ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए मुँह में। जब मुँह में आती है ना तो एक अलग ही फ्लेवर देती है।
तो ये चटनी ज़रूर बनाना। तो अच्छे से चटनी और ये सूखी वाली चटनी लगा के हम सारे पाव रेडी कर लेंगे, ताकि वड़े हमारे ठंडे हुए बिना फटाफट से इसमें रख सकें। ठंडे होने के बाद ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए कोशिश करना कि इन्हें गर्मा गर्म ही सर्व करें। तो देखिए नीचे से भी अच्छे से सिक चुके हैं, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बने अंदर से, ऊपर से सुपर क्रिस्पी। तो इनको सबको इस तरह से हमने चेक कर लिया है, अब गैस को कर देंगे बंद। इसको इसी में रहने देंगे ना तो अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। और हाँ, गैस कम रखना पर फुल पर मत बनाना इनको कभी। तो अभी इनको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। आप इन्हें चाहते हैं ऐसे इवनिंग स्नैक्स या फिर नाश्ते में भी ऐसे ही खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ। ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है खाने में, तो ये आप कभी भी बना सकते हो। और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि इसके अंदर आलू है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है, मुँह में ज़्यादा ही घुल जाएंगे आपके ये। ऊपर से जो क्रंचीनेस आएगी ना वो अलग टेस्ट देगी। तो बस इसके ऊपर हम रख देंगे वड़ा। आप चाहे तो मिर्ची इसके अंदर रखिए या फिर इसके ऊपर। ज़्यादा तीखा पसंद खाना पसंद हो ना किसी को, तो इस तरह से एक्स्ट्रा मिर्ची रख सकते हैं। तो बस इस तरह से वड़े रखें और फटाफट से अपने वड़ा पाव एंजॉय करिए। और एक्स्ट्रा तीखा चाहिए तो ऊपर से थोड़ी हरी चटनी और लगा लेना। तो जैसे चाहे वैसे बनाइए और एंजॉय करिए। अब टेंशन नहीं होगी आप क्योंकि हम डाइटिंग कर रहे हैं या वेट लूज़ करना हो, वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है पर खा नहीं सकते। तो इस तरीके से बनाना आप कभी भी बना के खा सकते हो। और ज़्यादा हेल्दी खाना है तो वाइट ब्रेड पाव की जगह आप ले लेना ब्राउन ब्रेड वाले, यानी कि वीट वाले। आजकल मार्केट में मिलते हैं आटे वाले भी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर से लगा देंगे एक्स्ट्रा चटनी। अब बस एंजॉय करिए गर्मा गर्म वड़ा पाव बिना किसी टेंशन के, जब तभी से खा सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्राई नहीं किए हैं तो टेस्ट में इसका कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वैसे ही लगेंगे जैसे हमारे वड़ा पाव नॉर्मली लगते हैं। उसके साथ ये सूखी चटनी तो इसका मजा कर देगी दुगना। तो ट्राई जरूर करना बस।